एकल मामला जो है कांड दर्ज किया गया था, जिसमें कांड के वादी जो है आरएन सिंह, जो फेमस डॉक्टर है कंकड़ बाग के, उनके द्वारा बताया गया कि उनके कंपाउंडर जो है उनको एक फ़ोन कॉल जो है किया गया था, जिसमें कुछ अभियुक्त द्वारा जो उनसे पैसों की मांग की गई। और तकनीकी जो भी अनुसंधान हमारी टीम द्वारा किया गया तो उसके आधार पर इस कांड का उद्भेदन किया गया। तो इस कांड में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों की पहचान जो है वो की गई, जिसमें एक अभियुक्त का नाम रोशन सिंह है, पिता का नाम बिंदु सिंह है, और एक अभियुक्त का नाम अभिषेक कुमार है, पिता का नाम नवीन सिंह है, जो कि सालिमपुर का रहने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि बुधवार को पद्मश्री डॉक्टर आरएन सिंह को फोन पे धमकी मिलती है कि पैसे दे दो नहीं तो तुम्हारा पुराना दिन याद करा देंगे। आपको बता दें यह वही पुराने दिन थे जो कि कुछ साल पहले डॉक्टरों से धमकी दिया जाता था और किडनैप किया जाता था, उनसे वसूली भी की जाती थी, जिसके पश्चात डॉक्टर आरएन सिंह ने इसकी लिखित शिकायत पटना के कंकड़बाग थाने में दी है, जिसके पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने दो बदमाशों को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेने के बाद इन्हें जेल भेजा जा रहा है। और यहाँ पे ईस्ट SP भारत सोनी क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखें। एकल मामला जो है कांड दर्ज किया गया था, जिसमें कांड के वादी जो है आरएन सिंह, जो कि फेमस डॉक्टर है कंकड़ बाग के, उनके द्वारा बताया गया कि उनके कंपाउंडर जो है उनको एक फ़ोन कॉल जो है किया गया था, जिसमें कुछ अभियुक्त द्वारा जो उनसे पैसों की मांग की गई थी। तो इस मामले को गंभीरता से देखते हुए जो भी हमारी टीम है, ASP सदर और उनकी टीम, और जो भी हमारी यहाँ की जो मानवीय और तकनीकी जो भी अनुसंधान हमारी टीम द्वारा किया गया तो उसके आधार पर इस कांड का उद्भेदन किया गया। तो इस कांड में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों की पहचान जो है वो की गई, जिसमें एक अभियुक्त का नाम रोशन सिंह है, पिता का नाम बिंदु सिंह है, और एक अभियुक्त का नाम अभिषेक कुमार है, पिता का नाम नवीन सिंह है, जो कि सालिमपुर का रहने वाला है। इन दोनों अभियुक्तों को कपूर में भी आपराधिक इतिहास पाया गया है और कंकड़ बाग में भी दो कांड जो है वो मिले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट और एक्सटोर्शन का मामला और एक गांधी मैदान का भी केस है। अन्य जो केसेस है उसको भी हम ढूंढ रहे हैं कि और कहां कहां इनके केसेस हैं। इनके द्वारा जो इनका मॉडल्स था वो पहले भी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये वहां पे इस तरीके की रंगदारी जो है लोकल लोगों को डरा के धमकाते थे, और एक चिड़िया मारने वाली जो एक पिस्टल है वो भी ये रखता था, उससे भी जो है लोगों को ये डराता धमकाता था। इस मामले में अभी तक के अनुसंधान में ये भी बात सामने आई है कि ये दोनों व्यक्ति कल जो है क्लिनिक पे भी ये गए थे, और अवलोकन से भी वो पता चला है कि उनकी गतिविधि वहाँ दिखी है, और इस आधार पे जो भी एविडेंसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए गए हैं, और इनके आधार इन इस आधार पे जो भी अगर तो और भी जो विधिवत कार्रवाई होनी है वो भी इसमें की जा रही है। इसमें भी दो मोबाइल बरामद, जिसको अनुसंधान किया जा रहा है कि IMEI वगैरह को हम सर्च कर रहे हैं कि इसी से फ़ोन कॉल किया गया है नहीं किया गया है। एक बुलेट मोटरसाइकिल जो कि यूज़ की गई थी क्लिनिक पे जाने के लिए, और एक ये चिड़ा मारने वाली जो पिस्टल है ये जो नकली पिस्टल है ये भी सीज की गई। सर, फोन नंबर कौन सा है जिसे फोन कॉल किया गया? वो जो है अभी जो हमारी टेक्निकल टीम उसको देख रही है। अभी रंगदारी स्पेसिफिक नहीं है, पैसों की मांग की गई थी, लेकिन उनके द्वारा ही अभी अग्रतर अनुसंधान में जो भी उनका पुनः बयान लिया जाएगा उसमें डिटेल में बात की जाएगी। सर, प्रेस को में जो उनके द्वारा आवेदन दिया गया उसमें है कि जो धमकी वाली टोन में उनसे बात की गई थी, और इसका मॉडस है वहाँ पे इसी तरीके से ये जो है, देखिए उद्देश्य है कि वही है कि जो वहाँ पे अपना डर फैलाना, और पूर्व में भी इनका जो है आपराधिक इतिहास ऐसा है तो वहाँ पे भयभीत करना लोगों का इनका उद्देश्य रहता है, जान से मारने की भी धमकी। देखिए वो सारी की सारी जो चीज़ है वो बयान जो है वो केस डायरी का पार्ट बनेगा, जो वादी का बयान लिया वो कोर्ट में समर्पित की जाएगी। और लोगों को धमकी दी गई है, जब भी तो केस इसमें पाए गए हैं 2021 में भी जो है वो 387 का ही एक्सटोर्शन का ही केस है। जाहिर सी बात है कि SP भारत सोनी ने साफ तरीके से कहा है कि जो आरएन सिंह को धमकी मिला था उन दोनों बदमाशों को धर दबोचा गया है और उन्हें लालघर भेजा जा रहा है। इनके पास से दो मोबाइल, एक बुलेट और एक एयर गन भी बरामद किया गया है। हालांकि इन दोनों बदमाशों ने कितने रुपए की इनसे रंगदारी मांगी है अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।